22 जनवरी यानी चुनाव लोकसभा का जब दस्तक दे रहा है, उस समय मंदिर का लोकार्पण भरपूर राजनीति का। तो भगवान का नाम तो लोग तब लेते हैं जब कष्ट और संकट में होते हैं। उन्हें लग रहा है 2024 में भाजपा साफ हो जाएगी तो राम के शरण में गए, पर भगवान राम को भी याद होगा और वो जानते हैं कि भाजपा कभी नहीं चाहती थी राम मंदिर बने। वो इस मुद्दे पर हमेशा वोट की धर्म की राजनीति करना चाहती। मैं तो धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट को जिसने जिसके आदेश पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, सौंदर्यीकरण शुरू हुआ। और अगर ये हुआ है तो देश की जनता की इच्छाओं के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार भाजपा इससे सबसे पीड़ित और दुखी है। उनकी नीयत कितनी खराब हुई इसी से अंदाजा लग जाता है कि वहां पुरोहित और वो जिनका काम है शुभारंभ करना, स्थापित करना, उनसे न करा के प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं। और राजनीति में जो चुन चुन के होता है, अरे अडवाणी जी को न बुलाना, मुरली मनोहर जोशी को न बुलाना, एक जिसने रथ यात्रा निकाली थी, मुरली मनोहर जोशी जो सक्रिय थे, साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जब अपनों की न हुई तो भगवान राम की।